प्राइम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ क्वेश्चन के बारे में समझते हैं जो इसमें मॉडल में चल रहा है आपका आरआरबी ग्रुप डी। ग्रुप डी में जो गणित का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो हम आप लोगों के बीच में लिखे हैं। इसको आप बहुत लड़के अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लड़के सॉल्व करते ही रह जाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट होगा। लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कहो आपका यह 20 दिया गया है ना, 20 का कुछ कीजिए मत, बस गुणनखंड कीजिए। 4 गुणते 5 यानी कि 4 × 5 = 20। जब 4 × 5 = 20 इसका करते हैं, इसके गुणांक में से एक अगर घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 1। जब 1 आएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़ी अगर यह प्लस रहेगा तो जो आपका बड़ा रहेगा वही आपका क्या है करेक्ट आंसर x बराबर 5। अब इसी में देख लीजिए x बराबर करणी में 20 माइनस करणी में 20 माइनस करणी में 20 दिया गया है, इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 4 × 5 4 × 5 = 20। लेकिन 5 में 4 घटाएंगे इसका गुणा इसका मान कितना आएगा 1। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा x बराबर 4 आपका क्या है आंसर है। इसी तरह आपका 42 दिया गया है, 42 का गुणनखंड कीजिए, 7 × 6 = 42 आया। लेकिन यहाँ पर आपका माइनस में दिया गया है ना, इसलिए आपका जो छोटा वाला रहेगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा। इसमें भी देखिए एक अब देखिए 7 आ गया ना, अब तो इसमें गड़बड़ी आ गया कि अगर 7 का गुणनखंड करते हैं 1 × 7 अब 7 × 7 लेकिन 7 में अगर 1 हटाएंगे तब तो हमारा 6 आएगा। लेकिन इसमें 1 आया इसमें 1 आया इसमें 1 आया, हमने बताया ना कि यहाँ पर 1। लेकिन हम मुझे यह पता चला कि 20 था 5 में 4 घटाए गए तो 1 आया, लेकिन यह प्लस था इसलिए बड़ा वाला हमारा पॉजिटिव में आया। यहाँ पर 20 था 4 × 5 = 20 किया गया, इसमें से आपका जो छोटा वाला था वही आपका करेक्ट आंसर आया। यहाँ पर ऋण था, जब ऋण था तो हमारा 7 × 42 जो छोटा वाला मान आता है वही क्या होता है करेक्ट आंसर आता है। उसी तरह से यह x बराबर 7 दिया गया है दोस्तों, x बराबर 7 x बराबर करोड़ी में 7 प्लस करोड़ी में 7 प्लस करोड़ी में 7, लेकिन इसका करेक्ट मान कैसे आएगा। अब इसमें दिक्कत है इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कहो 7 दिया गया होगा तो एक प्राकृतिक संख्या होता है 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 लीजिए। जब हम 12 लेते हैं, 12 का जब गुणनखंड करते हैं तब यहाँ पर आता है 4 × 3 = 12 करेंगे तो क्या आएगा 12। लेकिन यहाँ पर 4 में 3 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा 1। जब 1 मान हमारा आया इसमें से जो हमारा बड़ा वाला या पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब यह होता है जो बड़ा वाला रहता है वही हमारा मान आता है। तो हमारा x इज ग्रेटर देन यहाँ पर आएगा 4, यानी कि x लेके x और 4 के बीच में हमारा जो मान आएगा वही क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा x बराबर करोड़ी में 7 प्लस करोड़ी में 7 प्लस करोड़ी में 7 का। इसी तरह से हमारा 3 दिया गया है, 3 का अगर गुणनखंड करते हैं तो नहीं होता है 3 × 3, जब नहीं होता है तो कोई बात नहीं इसको आगे लेकर चलेंगे। प्राकृतिक संख्या हमारा होता है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। 6 का अगर गुणनखंड करते हैं दोस्तों तो 3 × 2 3 × 2 = 6, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से अगर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा ना। लेकिन यह जो 3 था 3 का करेक्ट या प्लस है इसलिए हमारा बड़ा वाला क्या आएगा आंसर आएगा। इसका मतलब हुआ यह x ग्रेटर देन यहाँ पर आएगा 3, x और 3 के बीच में हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। इसी तरह हमारा 6 था, 6 का आंसर रहेगा 3 × 2 3 × 6 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन यहाँ पर हमारा धर्म है इसलिए इसका मान जो बड़ा वाला रहेगा वही हमारा क्या आएगा करेक्ट आंसर रहेगा x बराबर 3। यानी कि हमने यही क्या कि x यानी कि पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर सिर्फ आपको यह चीज बताए हैं कि अगर कोई भी मान दिया गया है जैसे x बराबर करोड़ी में 20 अगर यह प्लस दिया रहेगा तो पहले इसका गुणनखंड कीजिएगा 20 का, जब गुणनखंड कर लेंगे तो 5 × 20 अब उसके कोफिशियंट में से उसको घटाइएगा। जब उसका 1 मान आएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़ा वाला वैल्यू था वही आपका करेक्ट आंसर। लेकिन यही अगर ऋण में रहेगा तो 5 × 20 अब इसमें से जो छोटा वाला मान रहेगा वही हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरह तो इसी तरह ये भी हो जाएगा ना, 42 × 7 = 46 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन यहाँ पर हम अभी बताएं कि अगर ऋण है तो ऋण में छोटा वाला आपका आंसर आता है, अगर धन रहेगा तो हमारा बड़ा वाला आंसर आएगा। इसी तरह कुछ ऐसे भी अंक होते हैं जिस अंक का हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, जैसे यह था इसके पास यह था यानी कि 3 × 3 अब यह नहीं हुआ इसके अंक अगला लेते हैं 3 × 4 = 5 × 6 6 का गुणनखंड किया गया 3 × 6 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1।
यहाँ पर x और 3 के बीच में हमारा जो मान आएगा वही क्या होगा, x का इसमें वैल्यू होगा। जो आप लोगों को एक और क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारा यह क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा था ना, पांचवा के बाद अब छठवा क्वेश्चन कौन सा आएगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कहो अब यहाँ पर दिया गया हमारा छठवा क्वेश्चन यह दिया गया कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन एक्स बराबर करड़ी में 13 गुणे या करड़ी में 13 उसके बाद करड़ी में 13 उसके बाद दे दिया गया लास्ट में इनफाइनाइट। अब इसका आंसर क्या आएगा, अब कुछ कीजिए मत, इसमें डायरेक्ट लिखिए क्या एक्स बराबर 13 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद सात नंबर यह दिया रहा है कि अगर एक्स बराबर दिया गया करड़ी में 23 उसके बाद करड़ी में 23 उसके बाद करड़ी में 23 अगर यह मान दिया गया दोस्तों इसको अगर सॉल्व करना इनफाइनाइट तो एक्स का मान डायरेक्ट क्या लिखे आप 23 क्या हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है अगर जब इनफाइनाइट रहेगा तब। जैसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता देते हैं आठवां, अगर एक्स बराबर दे दिया गया करड़ी में 19 फिर करड़ी में 19 फिर करड़ी में आपका 19 दे दिया गया डॉट 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 इनफाइनाइट। इसमें कुछ मत कीजिए डायरेक्ट लिखिए क्या एक्स बराबर आपका 19 क्या है आंसर, ए नहीं कि इसको बार बार आप करड़ी के रूप में तोड़ते चले जाए। जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं जैसे आठवां है या नौवां क्वेश्चन आपका है, नौवां क्वेश्चन दे दिया गया सपोज डेट अगर एक्स बराबर दिया गया इस यहाँ करड़ी में 32 उसके बाद करड़ी में फिर 32 करड़ी में आपका दिया गया है 32। अब इसका आंसर अगर लेकर आना होगा तो इसको क्या करना है चीज को, अगर ये 32 दिया गया है कुछ मत कीजिए सिर्फ 32 लिखिए। यहाँ पर दो दिया गया था उसके बाद दो, इसका मतलब यह हुआ कि दो दुना के चार, चार दुना के आठ, इसके बटा के आठ लिखिए उसके बाद आठ में से एक घटा दीजिए कितना आएगा सात, यही क्या आपका है इसका आंसर है। दसवां क्वेश्चन यह दिया गया है कि कोई मान दिया गया अगर यक्ष है एक्स बराबर करड़ी में दो करड़ी में दो करड़ी में दो अगर यह मान दिया गया अगर इसका करेक्ट आंसर लेकर आना है तो इसमें कुछ कीजिए मत, यहाँ पर लिखिए पहले यक्ष बराबर यहाँ पर दो है ना दो को लिखिए, इसके बाद कितने बार करड़ी है एक दो तीन है ना तो यहाँ पर दो एक कम यहाँ पर दो रहेगा फिर दो रहेगा फिर दो, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, इसके बटा में आठ लिखिए, आठ में से एक घटाइए कितना आएगा सात, यानी कि दो के पावर सात बटा के आठ, यही क्या आपका आंसर। ग्यारह नंबर आपका यह दे रहा है कि अगर एक्स बराबर दे दिया गया 23 करड़ी में उसके बाद करड़ी में 23 उसके बाद करड़ी में 23 उसके बाद करड़ी में 23 या पूरा क्या है करड़ी में, जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग क्या करते हैं इसमें खोजते रह जाते हैं कि अरे यहाँ पर 23 दिया गया था 23 का मतलब क्या होगा कि 23 का गुणनखंड कीजिए, यानी कि 23 का गुणनखंड हो ही नहीं रहा है, जब इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है तो इसको क्या करते हैं इसी में उलझ जाते हैं। अब इसी को करने में हमारा 5 मिनट का समय क्या होता है इन्वेस्ट होता है, अब इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको करेंगे तो करेंगे कैसे, जैसे तो हमारा यह नियम है कि हमने यह होता है सिर्फ एक्स बराबर लिखिए यहाँ पर दो है दो 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 उसके बाद दो यहाँ पर डायरेक्ट क्या 23 है ना 23 यहाँ पर लिखिए, अब इसके बटा 23 के पावर अब बटा में सिर्फ लिखिएगा दो, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के 16 यहाँ पर 16 आएगा, 16 में से सिर्फ एक घटाइए कितना आएगा 15 आपका 15 बटा के 23 की पावर 15 बटा के 16 यही क्या आपका करेक्ट आंसर है। यह करेक्ट आंसर है जो आपका यह क्वेश्चन बताया गया टिक के माध्यम से, जो आपको यह क्या होगा मॉडर्न में आपको इम्पोर्टेंट होगा प्यारे मित्र। जैसे कि इसमें आपका पेपर चल रहा है ग्रुप डी का चल रहा है, सीजीएल का चल रहा है, उसके बाद बीसीआईएल जेई का, दिल्ली मेट्रो जेई तथा लखनऊ मेट्रो जेई तथा UPRB UNL TG2 तथा UPPCL TG2 उसमें और आप देखेंगे यह क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा, जो क्वेश्चन कम समय में हमारे ट्रिक से आप लोग अच्छी तरह सॉल्व करेंगे तथा कम समय ही आप लोगों को लगेगा सॉल्व करने के लिए। देखने में यह देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन उससे कम समय में ही आपको यह क्या हो जा रहा है सॉल्व हो जा रहा है। देखने में यह क्वेश्चन बड़ा लग रहा है करड़ी करड़ी करड़ी, लेकिन करड़ी को कैसे सॉल्व करेंगे मित्र, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ करड़ी को गिनिए एक दो तीन चार, इसका मतलब दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के 16, 16 बटा के 16 में से एक हटाएंगे 15 बटा के 16, ये क्या आपका करेक्ट आंसर है जो आने वाला कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में या आपके लिए आवश्यकता होगा। जी प्यारे मित्र, द प्राइम क्लासेस में आपका स्वागत
स्वागत रहता था। जो भी आपको यह क्वेश्चन मिला है इस क्वेश्चन को देखिए, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, आज जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, आज जितना से जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करने का कोशिश कीजिए। आप लोगों के बीच में मैं कुमार देवानंद यादव द प्राइम क्लासेस में स्वागत अभिनंदन करता था, करता हूँ और करता रहूँगा।